बेंगलुरु के फेमस शाकाहारी रामेश्वर कैफे में कल हुए ब्लास्ट पर बड़ा खुलासा हुआ है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा है कि ये एक आईईडी ब्लास्ट है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अभी जांच शुरुआती दौर में है। इस धमाके में 9 लोग घायल हुए हैं। पुलिस की जांच में ये बात सामने आई है कि 10 से 35 साल का एक युवक कैफे में आया था और उसने रवा इडली का कूपन लिया और बैग रखकर चला गया। बीजेपी ने इस धमाके को लेकर मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है और धमाके को कर्नाटक सरकार की अपीसमेंट पॉलिसी का नतीजा बताया है। बताया जा रहा है कि बेंगलुरु के इस कैफे में एक शख्स आया था जिसके सीसीटीवी के जरिए उसकी पहचान हो रही है और साथ ही एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए फेस रिकॉग्निशन ऐप के जरिए सॉफ्टवेयर के जरिए उसकी पहचान की जा रही है और काफी सुराग हाथ लग चुके हैं। और बताया जा रहा है कि जिस जगह पर धमाका हुआ था वहां से कई ऐसी संदिग्ध चीजें मिली है जिसके जरिए अब आगे की जांच आगे बढ़ेगी। विधानसभा में जो घटना घटी थी उसके बारे में कांग्रेस सरकार अगर सीरियसली लेते तो शायद ये घटना नहीं घटते थे। अपीजमेंट पॉलिटिक्स, जब अपीजमेंट ज़्यादा होता है रेडिकलाइजेशन और ज़्यादा होता है। जब रेडिकलाइजेशन है तो इट कन्वर्ट्स इनटू टेररिज्म। तो हम स्ट्रांगली इसको कंडेम करते हैं। इसको NIE इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट इसको रेकमेंड करना चाहिए।